एक राजा था, शहर में तीन व्यापारी रहते थे। राजा को किसी ने शिकायत की कि राजन, ये व्यापारी बहुत ज्यादा धन कमाते हैं, दस दस गुना अधिक भाव लगा लेते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता, और जब हम बोलने जाते हैं तो बात को घुमा देते हैं। राजन, ये कहीं न कहीं जनता का शोषण कर रहे हैं। राजा ने तीनों व्यापारियों को बुलाया, लेकिन उसमें से एक व्यापारी गुरुदर से जुड़ा हुआ था, गुरुद्वार पर जाता था, विवेक सजाग था, इसलिए वो थोड़ा कर्म करने में सोचता था। लेकिन राजा को तीनों का पता चला। अब राजा ने क्या किया, तीनों को कुछ राशि दी हाथ में और कहा, जाओ इससे जाकर कुछ लेकर आओ। जयराम जी की। तीनों गए। पहले वाले ने सोचा, क्या लेकर जाऊं? राजा ने कहा है, जाओ जो भी ले आओ, ऐसा कुछ ले आओ जो 5-7 दिन आप लोगों को काम लगे। तीनों को समझ में नहीं आ रहा था कि राजा के मन में क्या चल रहा है, 5-7 दिन चले ऐसा क्यों मंगवा रहे हैं। पहला वाला व्यापारी सूझबूझ का धनी था, उसने अच्छे अच्छे फल लिए, ऐसे फल लिए कि जो 5-7 दिन सच में चल सके, और उसका पूरा बोरा भर दिया। दूसरे वाले व्यापारी के मन में छल कपट था, कहा भला राजा हमारा सामान कहाँ खोल के देखने वाला है। उसने 500 रुपए से मौज मस्ती कर ली और फिर सड़े गले फल लेकर चारा भूसा मिलाकर कट्टे को भर दिया। कहा राजा कहाँ देखने वाला है। और तीसरे वाले ने तो क्या किया, सड़े गले फल भी नहीं भरे, केवल ही भूसा भर दिया। कहा कौन देखने वाला है। अक्सर इंसान को कर्म करते करते ऐसा हो जाता है कि मुझे कौन देखने वाला है। रावण भी कर्म करते करते ऐसा हो गया था कि भला मुझे कौन मारने वाला है, मुझे कौन कुछ कर सकता है। लेकिन समय बड़ा बादशाह है, वही रावण हर दशहरे पे जलाया जाता है, और आज भी हमने कीर्तन किया तो गाया, श्री राम, जय जय राम, चरणों में तेरे कोटि प्रणाम, सियावर रामचंद्र की जय। आज भी दिवाली क्यों मना रहे हैं, क्योंकि आज का ही वो मंगलमय दिन है, आज की ही वो पावन संध्या है जब प्रभु श्री राम लौटकर बोलिए अयोध्या आए थे। और आज पूरा अयोध्या किससे सजाया गया था, दियों से। आज भी वो पर्व मना रहे हैं क्योंकि राम जी ने विजय पाई। कर्म करते समय गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र का ज्ञान साथ में था, और रावण तो बिन लगाम के घोड़े की नाई दौड़ा जा रहा था। और आखिर तो क्या हुआ कि जब तीनों अपना अपना सामान लेकर आए तो राजा ने पूछा, तुम्हारा सामान आ गया? जी आ गया। 500 पूरे हो गए? जी। तुम्हारा आ गया? जी। तुम्हारा आ गया? जी। तीनों ने हाँ कहा, और राजा ने एक सैनिक को आदेश दिया कि इन तीनों को अपने अपने कमरों में ले जाओ। तीनों को अपने अपने कमरों में रखा गया, और राजा ने कहा इन तीनों को 7 दिन तक बंद कर दो। तीनों हैरान हो गए, कहा राजन ये क्या आदेश है। कहा यही आदेश है, क्या हम खाएंगे पिएंगे क्या। तो कहा 500 रुपए दिए तो थे, अपना अपना सामान तो ले आए हो,
बोरा खोलो, अंदर जो सामान है वो खाओ, और बाहर से दरवाजे को कर दिया गया बंद। जब दरवाजा बंद हो गया तो पहले वाला सोचा बड़ा कठिन निर्णय राजा ने लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, गुरु कृपा मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है, जब सत्संग मेरे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। उसने बोरा खोला, जितने फल थे वो तखत पे बिछा के रखे, 7 दिन के हिसाब से फलों को अलग अलग कर दिया, और रोज दिन में 2-3 बार फल खाता, पानी पीता, और सोचा कि बहुत अच्छा हुआ, वैसे तो भजन नहीं कर सकता था लेकिन अब गुरुदेव ने मौका दिया है, फल पे अनुष्ठान करूंगा, पानी पीऊंगा, और रोज माला जप करके यहां पर 7 दिन एकांत में सफल करूंगा। दूसरे वाले ने तो क्या किया, वो बोरा खोला तो सही, लेकिन अंदर कौन से फल थे? अब सड़े गले फल एक दिन में बदबू मारने लग गए, वो तो बदबू मारने लग गए पर उसका कक्ष भी बदबू मारने लग गया, लेकिन खाली पेट क्या करे, वो सड़े गले फलों में से भी टुकड़ा 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 निकाल निकाल के खाए, पानी पिए और राजा को दुहाई देता जाए। और तीसरे वाले ने तो बोरा खोला और उसमें से भूसा निकाला, अब इस भूसे को क्या करे, बार बार अपना सिर कूटे, और 7 दिन बाद जब निकला तो 7 किलो वजन कम, पतला दुबला मुरझाया हुआ फूल, और ऐसा निकला पूछो मत। और दूसरे वाला निकला तो सही पर रोता रोता निकला, क्योंकि उसके पूरे रूम में सड़े गले फलों की बदबू हो गई थी। और जब तीसरे को, मतलब पहले वाले को दरवाजा खोला गया तो मूछों पे ताव देता हुआ आनंद से जय गुरुदेव करके निकला, तो राजा तीनों को देख के हैरान हो गए कि तीनों की स्थितियां अलग अलग हैं। तो कहा 500 तो तीनों को दिए थे पर अलग अलग क्यों? तो पहले वाले ने कहा कि गुरु का ज्ञान मेरे साथ है, मैंने 500 रुपए से फल ही खरीदे थे, और 7 दिन मैंने भजन किया, अनुष्ठान किया, फलों पर रहकर मेरे को बहुत आनंद आया, राजन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे वाले ने तो कहा राजन मुझे माफ कर दो, अब कभी नहीं करूंगा, समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं। और तीसरे वाला तो सिर में भी भूसा डाल के आया था, क्योंकि क्या करे, 7 दिन बैठे बैठे भूसा 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 हो गया था। तब समझ गया कि मैंने जो लोगों को भूसा दिया था बदले में मेरे को भी यही मिला है। तब राजा ने उनको शिक्षा दी कि जो जैसा करता है वो वैसा पाता है, जीत उसी की होती है, विजय प्राप्ति उसी को होती है जिसके कर्म निष्काम है, जहां पर माता लक्ष्मी सद्बुद्धि रूप में विराजमान है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो।